वेलकम टू केमिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पार्ट 8 में 2-3 सिग्मा टॉपिक रिएजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड ये जो 2-3 सिग्मा टॉपिक रिएजमेंट होता है वो गेट नेट आईडी जैम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट गेट आपका गेट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 2-3 सिग्मा टॉपिक रिएजमेंट होता है बेसिकली हम लोग 2-3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जहां पे हम लोग दो नेम रिएक्शन को सही से याद रखना है। फर्स्ट इज योर 2-3 स्टीवेंस रीअरेंजमेंट, ओके, एंड सेकंड वन इज 2-3 विटिक रिएजमेंट। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ये एक एक ये रिएजमेंट क्या है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो 2-3 सिग्मा टॉपिक रिएजमेंट है, यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे आपका मेन गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेक नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये जो 2-3 सिग्मा टॉपिक रिएजमेंट होता है, हमने तो डिस्कस किया 3-3 सिग्मा टॉपिक। 3-3 सिग्मा टॉपिक में क्या होता था बेसिकली, सिंपल अगर सिस्टम की बात करेंगे इसमें, यहाँ पे क्या होता ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करता था, इलेक्ट्रॉन इधर जाता था और ये बॉन्ड ब्रेक होता था, राइट। तो ऐसे कुछ होता था, तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता था, हम लोग नंबरिंग 1-2-3 1-2-3 करते थे, तो 3 से 3 जा रहे थे, हम लोग इसको 3-3 सिग्मा टॉपिक कुछ ऐसा बोलते थे, राइट। दैट वाज अ 3-3 सिग्मा टॉपिक रिएजमेंट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन भी डाल सकते हैं, ओएच भी डाल सकते हैं, बहुत कुछ हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते थे, एमीन भी डाल सकते थे, ओके। नाउ अगर हम लोग 2-3 सिग्मा टॉपिक की बात करेंगे तो इसका जो बेसिक सेटअप कुछ ऐसा होता है, देखो डबल बॉन्ड, उसके बाद एक कार्बन, उसके साथ हम लोग लेफ्ट से एक्स एंड वाई, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रुप को मैं लगा देता हूँ R1 एंड यहाँ पे मैं और एक ग्रुप को लगा देता हूँ R2, क्लियर हो गया। अभी एक्स वाई चेंज हो सकता है, ठीक है। इन जनरल मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ, इफ एक्स इज योर नाइट्रोजन एंड सल्फर, राइट। इफ एक्स इज योर नाइट्रोजन एंड सल्फर, देन हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्टीवन रिएजमेंट, ठीक है। इफ एक्स इज योर नाइट्रोजन एंड सल्फर, देन हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ एक्स इज योर नाइट्रोजन एंड सल्फर, इसको हम लोग बोलते हैं स्टीवन रिएजमेंट। इफ एक्स इज योर ऑक्सीजन, तो इसको हम लोग बोलते हैं विटिक रिएजमेंट, ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके बाद देखो क्या होता है ना, यहाँ पे बेसिकली ये पॉजिटिव होता है एंड ये नेगेटिव होता है, काइंड ऑफ योर जो इलाई टाइप ऑफ सिस्टम होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखो ये जो नेगेटिव है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव होता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करता है और ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाता है क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो हम लोग नंबरिंग करेंगे सही से, दिस इज योर, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे 1-2, यहाँ से ब्रेक हो रहा है 1-2-3, सो 2 से 3 में जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2-3 सिग्मा टॉपिक रिएजमेंट, क्लियर हो गया, सिग्मा टॉपिक रिएजमेंट, राइट। सो दिस इज 2-3 सिग्मा टॉपिक रिएजमेंट, जहाँ पे हम लोग को कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, देखो यहाँ पे अगर हम सही से देखेंगे, अभी इसका जो ट्रांजिशन स्टेट है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जो ट्रांजिशन स्टेट है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो 1-2-3-4-5, तो यहाँ पे 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट गेन हो रहा है, कैसे हो रहा है, देखो इस सिस्टम को 1-2-3 को मैं ऐसे करके ड्रॉ कर रहा हूँ, बेसिकली क्या हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है सिस्टम, ठीक है। ये जो 1-2-3 है, सो 1-2-3 उसके साथ क्या है, एक्स अटैच्ड है, लाइक दिस एक्स, उसके साथ क्या है, वाई। तो ये देखो 5 मेंबर रिंग गेट हो रहा है, तो यहाँ से ओ एक वाई माइनस से क्या होता है, यहाँ पे अटैक होता है, एंड 3 नंबर कार्बन पे R1 है, तो ये अबव द प्लेन है, नीचे एक हाइड्रोजन है, राइट। उसके बाद देखो R2 भी अबव द प्लेन है, नीचे इज योर हाइड्रोजन, राइट। तो देखो अगर हम सही से देखेंगे इसको, सही से अगर हम लोग इसको एज्यूम करेंगे, देखो दिस इज काइंड ऑफ योर 5 मेंबर टाइप ऑफ रिंग, राइट, दिस इज अ 5 मेंबर टाइप ऑफ रिंग, जहाँ पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है और ये बॉन्ड इजिली ब्रेक हो रहा है, सो दिस इज काइंड ऑफ योर ट्रांजिशन स्टेट, यू कैन एज्यूम, राइट, बेसिकली। तो यहाँ पे बेसिकली देखो अगर हम सही से देखेंगे तो उसके बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, बेसिकली इसके साथ इसका बॉन्ड फॉर्म होता है, तो जैसे यहाँ पे वाई आ गया, यहाँ पे आ गया एक्स, अभी देखो R1 बिकॉज ये अबव द प्लेन है तो ऐसे हो जाता है, तो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री देखो ट्रांस होता है, ऑपोजिट होता है, एंड ये जो R1 है वो अभी आ जाएगा अबव द प्लेन, ये दिस R2, ठीक है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है वो क्या मिलता है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे करके ड्रॉ करता हूँ, डबल बॉन्ड R2 एंड देन यहाँ पे R1 व्हिच इज अबव द प्लेन ए वाई एंड देन यहाँ पे एक्स, क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट इन द 2-3 सिग्मा टॉपिक रिएजमेंट, क्लियर हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे और एक चीज देखना है,
तो यहाँ पे देखो जब इसका स्टीरियो केमिस्ट्री, देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बॉन्ड के साथ इस बॉन्ड का जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो क्या है, ऑपोजिट है। तो अगर वो ऑपोजिट होगा, ये दोनों बॉन्ड का अगर स्टीरियो केमिस्ट्री ऑपोजिट होता है तो इस केस में क्या होता है, अबव द प्लेन आता है। सिमिलरली ये जब अबव द प्लेन था आफ्टर रिएजमेंट, इसका स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, ऑपोजिट हो रहा है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी एग्जाम में क्वेश्चन ऑपोजिट भी आ सकता है, लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर स्टार्टिंग में सब्सट्रेट कुछ ऐसा दे देगा, हम लोग रियल एग्जाम्पल थोड़ी देर बाद करेंगे, पहले हम लोग सिंपल केमिस्ट्री को पहले देख लेते हैं। तो देखो इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे घुमा के ऐसे लिखूंगा, जहां पे इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री का है सेम साइड में, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिएक्शन करेंगे तो इसका ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसा होगा। देखो पहले हम लोग इसको ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई, राइट। एंड देखो आर टू ऊपर है तो मैं इसको पहले ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। नीचे इज योर हाइड्रोजन, फाइव मेंबर ही नॉर्मली। एंड देखो ये आर वन अभी क्या हो गया, बिकॉज इन दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम साइड में है, तो इन बॉन्ड का विद दिस बॉन्ड इसका भी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम साइड होगा, लाइक दिस आर वन, ऐसे नहीं ऐसे, आर वन नीचे है ऊपर है हाइड्रोजन, तो ऐसे करके ये रिएक्शन होगा, राइट। ये डबल बॉन्ड जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर जाएगा और ये ऐसे करके न्यूट्रलाइज कर देगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे पहले रिंग पे ड्रॉ कर लेता हूँ, वाई एंड देन यहाँ पे एक्स डबल बॉन्ड एंड देन यू हैव आर टू, एंड देखो यहाँ पे हाइड्रोजन अबव द प्लेन है एंड आर वन इज बिलो द प्लेन। तो इसको अगर हम लोग सही से ड्रॉ करेंगे, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, देखो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, आर टू वाई एक्स एंड देन यू हैव आर वन व्हिच इज बिलो द प्लेन, क्लियर हो गया। दैट मीन्स इन दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर सेम साइड में होगा तो आर वन का स्टीरियोकेमिस्ट्री नीचे आता है, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम में मूव करेंगे, और एक बार मैं बोल देता हूँ, अगर ये एक अगर नाइट्रोजन एंड सल्फर होगा, एमिक और सल्फर टाइप ऑफ सिस्टम होगा, तो बेसिकली उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीवन टाइप ऑफ अरेंजमेंट। एंड इफ एक्स इज योर ऑक्सीजन लाइक ऑफ इथर टाइप ऑफ सब्सट्रेट, तो उसको हम लोग बोलते हैं 2,3-butyl अरेंजमेंट। तो हम लोग एक एक करके हम लोग अभी एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, देन वो इजिली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे अगर हम सही से देखेंगे, फर्स्ट जो स्टेप है, यू कैन टेक ए वट एवर यू वांट, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं, एन-ब्यूटाइल लिथियम भी यूज कर सकते हैं, टार्ट ब्यूट ऑक्साइड भी हम लोग यूज करते हैं, दोनों आर बेस, राइट। तो यहाँ पे बेस क्या करेगा, इसका जो प्रोटोन है ऑक्सीजन के नेक्स्ट का जो प्रोटोन उसको एक्सेप्ट करेगा और यहाँ से नेगेटिव जेनरेट होगा, राइट। तो क्या होगा, बेसिकली ओ सी एच टू माइनस डबल बॉन्ड सी एच थ्री। सो ये जो सिस्टम है यहाँ पे देखो आइसोप्रोपाइल, ये जो सिस्टम है ये बेसिकली योर 2,3 सिग्मा विटिग अरेंजमेंट, राइट। ये 2,3 सिग्मा टॉपिक का ही विटिग अरेंजमेंट है, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक इज योर ऑक्सीजन, राइट। ओके, तो यहाँ पे देखो जब ये यहाँ पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो ब्रेकिंग कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे ब्रेक हो रहा है वहां से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 1, 2, 3। सो 2 से 3 मिल जा रहे, सो दिस इज 2,3 सिग्मा टॉपिक अरेंजमेंट। अभी हमने क्या डिस्कस किया इसके पहले, स्टीरियोकेमिस्ट्री, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो हम लोग इसको ऐसे करके पहले साइक्लिक रिंग में ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये बॉन्ड, दिस टू बॉन्ड आर सेम साइड, राइट, दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, मींस ये जो बॉन्ड है इसके साथ मिथेन नीचे होगा, ऊपर हाइड्रोजन होगा। ये जो बॉन्ड है बेसिकली ये बॉन्ड है, उसके बाद आइसोप्रोपाइल अबव द प्लेन है, तो वो कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे करके मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन एंड देन यहाँ पे जैसे दिस एंड व्हाटएवर, तो ये नेगेटिव जाके यहाँ पे अटैक करेगा और ये ऐसे जाएगा और ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली देखो इसका जो स्टीरियो केमिस्ट्री होगा वो बेसिकली देखो, जब ये नीचे मतलब सेम साइड में रहता है तो इसका स्टीरियो केमिस्ट्री नीचे आता है, देखो ये देखो नीचे आ रहा है। इसके बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वहाँ पे क्या होगा, बेसिकली डबल बॉन्ड यहाँ पे, दिस इज आइसोप्रोपाइल एंड यहाँ पे जब रिंग जनरेट होगा विद सी एच टू एंड यहाँ पे ओ एच मिथाइल का स्टीरियोकेमिस्ट्री भी नीचे आ जाएगा, राइट। देखो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री नीचे है, इसका बॉन्ड हो रहा है, उसके बाद देखो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड मिथाइल, सो दैट विल बी फाइनल आंसर, क्लियर हो गया। अभी देखो यहाँ पे जो ओएच का स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है वो डिपेंड करता है, मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है वो नीचे आता है, ठीक है, तो ये मैक्सिमम होता है, सो दैट विल बी फाइनल आंसर, क्लियर हो गया, सो दैट विल बी फाइनल आंसर। उसके बाद दिस इज योर ए, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम मूव करते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा, सिमिलरली यहाँ पे देखो जब एसएन ब्यूटाइल रहता है तो यहाँ पे क्या होता है, 3 लिथियम एक्सचेंज होता है, राइट।
यहाँ पे मेटल मेटल एक्सचेंज होता है, तो बेसिकली क्या होगा, सीएचथ्री सेम रहेगा, उसके बाद यहाँ पे ओ सी एच टू एस एन के जगह में आ जाएगा लिथियम, राइट। तो ये जो सेंटर है अभी सी एच टू माइनस हो गया, नहीं ए लाई प्लस, राइट राइट, वेरी सिंपल। उसके बाद देखो बाकी तो सेम है। अभी देखो ये जो सिस्टम, दिस इज ऑल्सो योर टू थ्री विटिक रीजन में, राइट, दिस इज बोथ आर टू थ्री सिग्मा टॉपिक, बट वी कैन से दिस इज विटिक टाइप ऑफ रिएजमेंट, राइट, बिकॉज दिस इज ऑक्सीजन है, इथर टाइप ऑफ सब्सट्रेट। तो ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर जाएगा और ये ऐसे करके न्यूट्रलाइज कर देगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे नंबरिंग कर लेते, वन टू थ्री, सो दिस इज टू थ्री सिग्मा टॉपिक रिएजमेंट, राइट। अभी देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल केमिस्ट्री, यहाँ पे जाएगा तो ऐसे होगा, कुछ ऐसा जेनेट होगा, डबल बॉन्ड, उसके बाद है सी एच थ्री एंड देन यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल है, उसके बाद है दिस इज ओ, राइट। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर बी, एंड दैट वाज योर फाइनल आंसर ए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद जो तीन एग्जांपल है, थ्री प्रॉब्लम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग गेम, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको रेज कर देता हूँ। ऑलराइट, उसके बाद देखो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। जो फर्स्ट स्टेप है ना, यहाँ पे क्या है, यू हैव एलाइल ब्रोमाइड। अभी एलाइल ब्रोमाइड यहाँ पे क्या करेगा, देखो यहाँ पे सल्फर में भी नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, एमीन में भी लोन पेयर है, राइट। तो डेफिनेटली नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होता है, राइट। डेफिनेटली अगर वो ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो जाके क्या करेगा, इसका लोन पेयर तो यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो ये तो रिएक्शन नहीं करेगा, तो डेफिनेटली ये जाके क्या करेगा, यहाँ पे जाके अटैक करेगा एलाइल ब्रोमाइड के सेंटर में, एलाइल कार्बन में ब्रोमीन निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, देखो ये पेनिसिलिन टाइप ऑफ सिस्टम है, आई थिंक CO2 Me CH3, उसके बाद A, उसके साथ कुछ ऐसा जेनेट होगा, राइट, डबल बॉन्ड काइंड ऑफ दिस, और यहाँ पे यू हैव Me और Me, राइट। उसके बाद देखो अगर हम बेस से ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे देखो पहले देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन नीचे है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना। अभी देखो हम लोग अगर बेस से ट्रीट करेंगे, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, नाउ व्हाई, दोनों केस है ये एसिडिक है बिकॉज ऑफ दिस कार्बन ग्रुप एज वेल एज दिस एमीन ग्रुप, राइट, एमीन सॉल्ट है। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज ऐड होगा तो यहाँ पे क्या ऐड होगा बेसिकली, देखो इन CO2 Me दिस मिथाइल एंड दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव, ठीक है। अभी देखो ये जो सिस्टम है, ये अभी क्या हो गया, ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड जाएगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, एंड ये जो एमीन सिस्टम है, दिस इज योर टू थ्री स्टीवन टाइप ऑफ रिएजमेंट, राइट, मैंने ऑलरेडी बताया था जब एमीन टाइप ऑफ सब्सट्रेट रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू थ्री। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है एमएस एग्जाम में, ठीक है, कि जब ऐसा कोई सब्सट्रेट दे देगा और पूछा जाएगा कि ये स्टीवन टाइप ऑफ रिएजमेंट है और यू कैन से विटिक टाइप ऑफ रिएजमेंट है और यू कैन से सॉमलेट टाइप ऑफ रिएजमेंट है, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ रिएजमेंट होता है स्टीवेंस रिएजमेंट, ठीक है, तो डेफिनेटली हम लोग क्या मिलेगा यहाँ पे, दिस विल गिव यू कोरेस्पोंडिंग बेसिकली हम लोग क्या मिलेगा, एन एम ए टू वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अभी यहाँ नीचे से क्या होगा, इस कार्बन में अटैक करेगा, तो वन टू, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्या है बेसिकली, देखो ये जो सल्फर सेंटर है वो जाके क्या करेगा, यहाँ पे जाके अटैक करेगा और ब्रोमीन को एलिमिनेट कर देगा, राइट। उसके बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, एंड देन यू हैव सल्फर, मैं इसको ऐसे करके ड्रॉ करता हूँ, सल्फर हो जाएगा पॉजिटिव, राइट, क्योंकि उसका लोन पेयर जाके अटैक किया, सो दिस विल बी योर टू मिथाइल। उसके बाद देखो जब ये पॉजिटिव हो जाएगा, देन ये भी प्रोटॉन एसिडिक है, ये प्रोटॉन भी एसिडिक है, ये प्रोटॉन भी एसिडिक है, दिस टू आर इक्विवेलेंट, राइट, दिस टू आर इक्विवेलेंट। अगर हम लोग इस बॉन्ड से रोटेट करेंगे तो ये दोनों इक्विवेलेंट ही होगा, तो मैं कोई एक को ले रहा हूँ बिकॉज दिस इज द सल्फर पॉजिटिव। उसके बाद देखो हम लोग ब्यूटाइल लिथियम यूज करेंगे तो कहीं से भी नेगेटिव चार्ज ऐड हो सकता है, तो यहाँ से भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी, तो लेट्स अगर यहाँ से एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऐड होगा, जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऐड होगा तो ये जो सल्फर सिस्टम होता है, दिस इज टू थ्री स्टीवन रिएजमेंट, राइट, सो दिस इज टू थ्री स्टीवन टाइप ऑफ सब्सट्रेट,
यहाँ पे देखो ये नेगेटिव जगह यहाँ पे अटैक कर सकते हैं, डबल वन इधर मूव कर सकते हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, तो ये फर्दर रिएक्शन हो सकता है। एंड दिस इज ऑल्सो योर 2-3 सिग्मा टोपिक रिएजमेंट राइट, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग नंबर कर लेते 1 2 1 2 3, सो 2 से 3 में जा रहे हैं, 2-3 सिग्मा टोपिक रिएजमेंट। तो क्या मिलेगा यहाँ पे हम लोगों को, यहाँ पे आ जाएगा सल्फर एंड दैट विल गिव यू डबल बॉन्ड, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज मिथाइल नॉर्मल कार्बन सल्फर, सो दैट विल बी फाइनल आंसर। ओके उसके बाद देखो, उसके बाद देखो अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्मल हाइड्रोलिसिस करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्मल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, बेसिकली देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ पे पोटेंशियल होगा, फॉलोड बाय कुछ ऐसे करके ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद फार्दर वाटर देकर जब अटैक करेगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर डी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली जो देखो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे, दिस सिस्टम विल क्रिएट योर अ कार्बन टाइप ऑफ सिस्टम राइट, तो ये जो सिस्टम है वो क्या करेगा, विल जनरेट अ कार्बन टाइप ऑफ सिस्टम राइट, तो वो कैसा होता है, CH2 I zinc I टाइप ऑफ सिस्टम रिएक्टर, ठीक है। अब ये जो CH2 है वो क्या करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करेगा, एंड डेफिनेटली ये सल्फर का जो लोन पेयर है वो जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, ये काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और यू कैन से कार्बन टाइप ऑफ सिस्टम के तौर पे काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली CH2 अगर हम लोग जिंक सब्स्टिट्यूट से रिएक्शन करते हैं, तो हम लोग को पता है सीमेंट्स में टाइप ऑफ जो सब्स्टिट्यूट होता है वो सेम टाइप ऑफ केमिस्ट्री है यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बिन ऐड होगा जो सल्फर जाके यहाँ पे अटैक करेगा, कार्बिन का जो कार्बन होता है, ठीक है, ये जो कार्बिन कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर होता है, तो ये सल्फर का लोन पे जाके अटैक करेगा। उसके बाद क्या होगा देखो, सल्फर यू हैव CH2, अभी वो माइनस हो जाएगा, सल्फर पॉजिटिव हो जाएगा, उसके बाद डबल बॉन्ड यू हैव मिथाइल, उसके बाद कुछ ऐसा सिस्टम ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो सिस्टम है, अभी ये जाके डायरेक्टली नीचे से, बिकॉज ये बॉन्ड नीचे है, नीचे से डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा और इसको न्यूट्रलाइज करेगा, एंड दिस इज ऑल्सो 2-3 सिग्मा टोपिक रिएजमेंट राइट, डबल बॉन्ड इधर आएगा, मिथाइल इधर है, तो देखो ये ग्रुप नीचे है तो इसका अटैक भी नीचे से होगा, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री भी नीचे है, SPH=6, so that will be your final answer right, so that will be your final answer, this is also your 2-3 sigma topic arrangement, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन था, मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे कॉपर है राइट, एंड दिस इज अ डायजी टाइप ऑफ सब्सट्रेट, इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, दिस इज बेसिकली योर डायजी टाइप ऑफ सब्सट्रेट, तो डायजी टाइप ऑफ सब्सट्रेट के साथ कॉपर का रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बिन जनरेट होता है, बेसिकली यहाँ पे ऐसे जो ब्रेक हो जाते हैं वो आपके कार्बिन जेनरेट होता है, एंड कार्बिन इज योर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर राइट, कार्बिन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है, तो मैं लेट से इसको नीचे कर देता हूँ लेट से, तो ये जो लोन पेयर है वो जाके ये कार्बिन में अटैक करता है, जब कार्बिन में अटैक करता है तो क्या होता है, कार्बिन अभी हो जाएगा नेगेटिव एंड दिस विल बी योर पॉजिटिव, उसके बाद क्या होगा, ये नेगेटिव जगह यहाँ पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा और ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, so this is basically your 2-3 sigma topic arrangement right, this is also your 2-3, देखो यहाँ पे जो bond break हो रहा है यहाँ पे हम लोग numbering कर देते हैं 1-2-3, 1-2, so 2-3 sigma topic arrangement, तो finally जो product बनेगा that will be like 1-2-3, 1-2-3, so that will be final answer, okay, so that will be final answer, ओके तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी जो रिएक्शन है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।